हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपके सामने महीने के एंड में इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। लास्ट मंथ जो हमने वीडियो बनाया था अपकमिंग स्मार्टफोन जुलाई मंथ, उनमें से बहुत सारे स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो चुके हैं। तो यदि आप जानना चाहते हो कि आपको अगस्त में कौन से स्मार्टफोन जो लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग से। सो गाइस, 5 अगस्त को सैमसंग का एक अनपैक्ड इवेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको सैमसंग की नोट 20 सीरीज़ और इसके साथ ही फोल्ड 2 भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, देखना होगा कि नोट 20 सीरीज़ में कौन सा प्रोसेसर होता है। और दोस्तों, जो फोल्ड 2 है, ये फोल्ड 1 का सक्सेसर होगा। इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी कमाल का होता है। और दोस्तों, ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है आपको अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं बजट सेगमेंट की। तो गाइस, आपको यहाँ पर M41 और M51 और इसके साथ ही जो M31S है, ये आपको 30 जुलाई को देखने को मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो सैमसंग के इन स्मार्टफोन के लिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आगे बात करते हैं मोटोरोला की। सो गाइस, अगस्त के महीने में मोटोरोला की तरफ से भी आपको इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो स्मार्टफोन होगा वो होगा दोस्तों मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का लाइटर वर्जन, मोटोरोला वन फ्यूजन। इसकी जो प्राइस होगी आपको 15,000 के नीचे देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 712 वाला प्रोसेसर भी मिलने वाला है। और जो दूसरा स्मार्टफोन होगा, ये होगा दोस्तों मोटोरोला G5 5G स्मार्टफोन। इसे जो ग्लोबली लॉन्च किया गया है, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है OnePlus Nord के साथ कम्पीट करेगा। सो गाइस, देखते हैं इसकी प्राइस क्या होती है इंडिया में। क्या आप एक्साइटेड हो मोटोरोला के न्यू स्मार्टफोन के लिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं रियलमी की। तो दोस्तों, रियलमी जो है अपने स्मार्टफोन को हर मंथ लॉन्च करता रहता है। सो गाइस, अगस्त के महीने में भी आपको रियलमी की तरफ से दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं। सो गाइस, पहला स्मार्टफोन होगा रियलमी C11 का सक्सेसर, रियलमी C15। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है, क्वाडियर कैमरा का सेटअप है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यदि रियलमी जो इन सारे फीचर्स को रियलमी C11 में दे देता, सो गाइस रियलमी C15 की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, रियलमी है, क्या बोल सकते हैं। और जो दूसरा स्मार्टफोन होगा, ये दोस्तों रियलमी की न्यू सीरीज होने वाली है, रियलमी V5 सीरीज। इसकी जो है कुछ फोटो सामने निकल के आई थी, आप अपनी स्क्रीन पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे अब कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो स्मार्टफोन है आपको कौन से स्मार्टफोन की तरह लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और दोस्तों, आगे बात करते हैं शाओमी की। तो दोस्तों, शाओमी की तरफ से भी आपको इंडिया में दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो स्मार्टफोन होगा वो है दोस्तों रेडमी 9 और दूसरा स्मार्टफोन है दोस्तों रेडमी 9A। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको 10,000 के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। और अगस्त के महीने में ये दोनों स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आगे बात करते हैं पोको की। सो गाइस, पोको की तरफ से भी आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इसका नाम तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन होगा आपको बजट सेगमेंट में ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो शाओमी और पोको के स्मार्टफोन्स के लिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं इन्फिनिक्स की। सो गाइस, अगस्त के महीने में इन्फिनिक्स की तरफ से भी आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये इन्फिनिक्स की नोट 7 सीरीज होने वाली है। इन्फिनिक्स जो है अपने स्मार्टफोन को काफी अच्छी प्राइस में लॉन्च करता है, लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स जो एक ही जगह मात खा जाता है वह दोस्तों प्रोसेसर, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स जो है अपने स्मार्टफोन में काफी वीक प्रोसेसर देता है। तो दोस्तों, देखना होगा इस बार जो है इन्फिनिक्स हमें कौन से प्रोसेसर प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो इन्फिनिक्स के इन स्मार्टफोन के लिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप स्मार्टफोन जो आपको अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर के बिना कहीं मत जाना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।